हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरी टेरेस पे क्या क्या ब्लूम्स हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये मेरी गोल्ड बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग हो रहा है। इसमें देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। और मानो फिर से मेरे बगिया में विंटर लौट कर आ गया है। इन मेरी गोल्ड्स को देखकर बहुत ही खुशी लग रहा है मुझे। और ये रहा केल, बहुत ही प्यारा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसे हर गार्डनर को लगाना चाहिए, क्योंकि ना ये मुरझाता है ना कुछ होता है, एज यूजुअल बने रहता है, लॉन्ग लास्टिंग है। आपके गार्डन में एक बार लगाइए तो बहुत दिनों तक यूं ही आपके गार्डन में ब्यूटी ऐड करेगा दोस्तों। और इधर कुछ गलाडिया ब्लूम हो रहे हैं और लगभग ये 1.5 साल से मेरे साथ बने हुए हैं। और स्थल पद्मा लैंड लोटस में देखिए अब बर्ड्स बननी शुरू हो गई है। और ये कुछ सदाबहार समर के लिए, ताकि मेरे गार्डन में ब्यूटी बनी रहे। बहुत ही प्यारा इसका कलर है। और ये देखिए, ये बैगनी कलर का है। और ये खुद ही डॉग फ्लावर का जर्मिनेट हुआ। इधर कुछ कटिंग वटिंग लगा कर रखी हूँ। ये मॉर्निंग ग्लोरी कितना सुंदर से मॉर्निंग ग्लोरी इधर खिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना प्यारा लगता है मॉर्निंग ग्लोरी। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में आते हैं, मैजेंटा, पिंक, वाइट, पर्पल, इसके बाई कलर भी आते हैं। पर्पल वाला भी बहुत प्यारा लगता है दोस्तों। और मैंने इस तरह से एक मॉप की स्टिक है, उसी में इसको ऐसे चढ़ा दिया है। और यहाँ पे इस तरह से रस्सी से ऐसे इसको सहारा दे दी हूँ, ताकि ये इसकी बेल और भी ऊँची जाए और खूब खिले। और इधर देखिए, ये कोलियस, और कोलियस के बीच में एक डॉग फ्लावर खुद ही जर्मिनेट हो गया पिछले साल की सीड से। क्योंकि मैं कंपोस्टिंग करती हूँ, जितना भी किचन वेस्ट और गार्डन के जो भी निकलते हैं कटिंग करके, तो सबको मैं कंपोस्टिंग करती हूँ, उसी में ये सीड भी डाला होगा, तो खुद ही जर्मिनेट हो गया। और कोलियस को भी मैंने शेड में कर दी है दीवार के पास। और ये वाला शेड कोलियस का बहुत ही प्यारा लगता है, इसमें क्रोटन और कोलियस एक साथ हो गए। और ये देखिए, ये मेरा जो शकरकंद का प्लांट है, देखिए कितना अच्छा, जैसे ही इसको मैंने बड़े पॉट में डाली और ये कितना सुंदर से हरा हरा हो गया है। और उम्मीद है कि नीचे शकरकंद भी बैठना शुरू हो गया होगा दोस्तों। और ये एक रोज आज ब्लूम हुआ है। और ये देखिए, इधर एक कोलियस बहुत ही सुंदर बूसी लग रहा है। देखिए इसका शेड, देखिए पत्तों का कितना प्यारा है। और इधर देखिए क्रिसमस ट्री एरुकेरिया, और इसमें मैंने स्नेक प्लांट, आप लोग को अगर दिखा सकूँ तो, ये देखिए दोस्तों, स्नेक प्लांट की लीफ को मैंने इसमें लगा दिया था। और कितना ही अच्छा से देखिए, 2 स्नेक प्लांट मुझे मिल रहे हैं। और ये ड्वार्फ वैरायटी की है। और दोस्तों ये देखिए, चिली मेरा भर भर कर चिली हो रहा है, और साथ में टोमेटो भी भर भर कर हो रहे हैं। बहुत सारे टोमेटोज हैं, और हार्वेस्ट करूँगी तो होगा तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और इधर पकने भी शुरू हो गए हैं, और रोज ही मैं कुछ कुछ तोड़ कर ले जाती हूँ। और इसमें देखिए, प्लूमेरिया में भी अब लीफ निकलना शुरू हो गया है। इनका डोरमेंसी का पीरियड अब ख़त्म हुआ, अब ग्रोथ का पीरियड शुरू हो गया है। और कितना सुंदर ये मैरीगोल्ड लग रहा है। और इसकी मैंने कटाई छटाई की थी, तो अभी थोड़ा थोड़ा इसमें लीफ अच्छा होना शुरू हो गया है। और ये एक हिबिस्कस है, देखिए इस कलर का। और ये हिबिस्कस कम से कम 2 से 3 दिन तक खिला रहता है विंटर में, और समर में 2 दिन तक चलता है खिलकर। और कुछ कुछ इस तरह से अभी हिबिस्कस चल रहे हैं। और ये देखिए पीला कलर का है। और ये वाला देखिए कितना सुंदर लगता है, ये बहुत ही प्यारा लगता है।
और ये चीकू का प्लांट, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए आम का प्लांट है। और इधर सब मैंने इधर शेड में इसको रख दी हूँ। और ये देखिए क्रिसेंथिमम, जो बोलते हैं ना कि कटिंग कर दीजिए, खिला हुआ सूखे फूलों को मत छोड़िए, तो मैंने हटाई। और उसके बाद देखिए ये कुछ कुछ क्रिसेंथिमम फिर से ब्लूम कर रहे हैं, मानो विंटर मेरे गार्डन में लौट के आ रहा है। और एक जलवेरा मेरा आज खिला है दोस्तों, और ये मैंने एक कटिंग लगाई थी। और इधर देखिए मदर्स ऑफ मिलियन, और ये देखिए अरबी का प्लांट है, और ये एलोवेरा, इसको मैंने सेड प्रदान की हुई है। और ये देखिए लालसा, इसको आज ही मैंने ट्रिम किया है, बहुत ही लेगी लेगी सा हो गया था। इधर सिनेनेरिया, अब देखती हूँ कब इनमें ब्लूमिंग आता है। और इधर ये देखिए अलामांडा का एक प्लांट है येलो कलर का, हिबिस्कस कटिंग लगाई थी मैंने। और इस तरह से एक लुक लेते हुए इधर वाइट कलर का विंका, और ये बटर कप का फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए एक जेबरीना हॉली हॉक का खुद ही ग्रो हो गया, तो मैंने इसको ग्रो बैग में लगा दी हूँ। और ये जीनिया देखिए, अब इनमें बर्ड्स भी आने शुरू हो गए हैं। और इधर ये देखिए एक मेरा ड्वार्फ वाला ये है, और ये अब सूख चला, इस मैरीगोल्ड को मैं हटाऊंगी। और इसमें देखिए एक कटिंग मैं लगाई हूँ विंका की, और ये देखिए लेवेंडर की कटिंग लगाई हूँ, इधर कोलियस की कटिंग है, और ये देखिए मैरीगोल्ड। और इस क्रोटन को मुझे रीपॉट करना है। और एक हिबिस्कस इधर है, ये भी दो दिनों से खिला हुआ है देखिए। और इधर जेबरीना हॉलीहॉक, और इम्पैशन, कुछ वर्बीना है। और साल्विया के खिले हुए स्टिक को मैंने काट दिया, जो स्पेंड हो गए तो फिर से इनमें ब्लूमिंग आ रही है। और कार्नेशन देखिए कितना सुंदर से ब्लूमिंग हो रहा है, कार्नेशन में बहुत ही प्यारा लगता है। और जेबरीना हॉलीहॉक देखिए दोस्तों, फ्लॉक्स में भी बहुत ही प्यारा प्यारा कलर आया है निकलकर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और फ्लॉक्स में एक भिनी भिनी सी जो खुशबू होती है ना, वो भी बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। एक डेजी का फ्लावरिंग प्लांट जो कि काफ़ी छोटा हो गया है इनके ब्लूम्स, बर्बीना, ये वाइट बर्बीना, डेजी के हाल चाल भी देख लीजिए दोस्तों, तो अच्छे से ही चल रहे हैं पैंसी। इधर ये पिटूनिया सब भी ठीक से चल रहा है, अभी खिल ही रहा है पिटूनिया, मिला जुला कर ठीक ही चल रहा है इस तरह से। ये एस्टर में छोटे छोटे फ्लावरिंग हो ही रहे हैं। और ये देखिए इस बोगनविला, इसको मुझे रीपॉट करना है छोटे से कंटेनर में। और एक इधर लैवेंडर का कटिंग है, इसको भी मुझे रीपॉट करना है, बहुत सारा रिपोर्टिंग करना है। थूजा को भी रिपोर्ट करना है। और ये देखिए ये मेरा गिलोई का प्लांट है, इसमें देखिए फ्लावरिंग आ रहा है गिलोई के प्लांट में। और इधर यूफोर्बिया मिली में भी अच्छे से ब्लूमिंग हो रहा है दोस्तों, देखिए। और इधर देखिए क्रोटन, दो तरह के क्रोटन है, एक इस तरह से और एक ये वाली कोलियस। और ये देखिए अलामांडा में बहुत ही अच्छा लीफ आ गया है, ब्लूम आना शुरू हो गया है दोस्तों। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अलामांडा फिर से ग्रीन हो गया, विंटर में डोरमेंस में चला गया था, और ये कुछ दिनों के लिए, बस एक महीना ऐसे डोरमेंसी में गया, बाकी सारा साल ये फ्लावरिंग देते रहा। बहुत ही अच्छा लगता है, हर गार्डनर को इसे लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का मेरा गार्डन का
ओवरव्यू आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्या कुछ चल रहा है मेरी बगिया में। और ये धूप निकलेगा उसी के साथ इनमें ब्लूमिंग शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि धूप के साथ ही ये खिलता है, इसको खिलने के लिए सनलाइट ज़रूरी है। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।